हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना स्नैपडील में ऑर्डर किए हो और आपका शिप हो चुका है तो उसको कैसे कैंसिल कर सकते हो। तो इसमें आपको एक बात है दोस्तों, शिप होने के बाद कैंसिल का ऑप्शन हट जाता है, तो उसके बाद आपको कैसा कैंसिल करने का ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको देखने का है लास्ट तक का वीडियो। और इसमें बताने वाला हूँ, आपने पेमेंट कर दिया है तो आपका रिफ़ंड कैसा मिलेगा, तो सारा प्रोसेस इसके अंदर ही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। और आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें एक ऑर्डर किया था जग, उसको मैं कैंसिल करके दिखाता हूँ। तो मेरा शिप हो चुका है तो आपको इधर ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो उसके लिए हमको एक रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो क्या रिक्वेस्ट करना पड़ता है ये मैं आपको स्क्रीन पे लेके चल के दिखा देता हूँ, तो क्या हमको रिक्वेस्ट करना है। और फ्रेंड, उसके बाद आपका ये आधा से एक घंटा लेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, ये प्रोफाइल है, ये मैंने ऑर्डर किया था, उस पर क्लिक कर लेना है। और फिर से आपको क्लिक करने का है ऑर्डर पे। यहाँ हमको चैट नाउ दिख रहा होगा, कैंसिल का आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो चैट नाउ का ऑप्शन सबको आता है, तो चैट नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो हम डायरेक्ट कस्टमर केयर से भी यहाँ बात करेंगे और हमारा रिफ़ंड आपका निकला, पे ऑन डिलीवरी नहीं है, आपका रिफ़ंड भी मिल जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो चलिए हम चैट नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारा रजिस्टर जो होता है, फ़ोन नंबर उस पर लिखा था, आपका रजिस्टर व्हाट्सएप नहीं है वो नंबर पर, तो आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद देखिए, इधर लिख कर टू चैट इन इंग्लिश टाइप वन, तो हमको वन कर लेने का, आपको हिंदी में करने तो टू कर लीजिए। तो मैंने वन क्लिक कर लिया, तो हमारी ऑर्डर जो हमने ऑर्डर किया था उसके बारे में बता दिया इसने। तो यहाँ हमको लिखा कैंसिल ये ऑर्डर, तो सेकंड पे हमको इधर ऑप्शन मिल जाता है कैंसिल का, तो यहाँ आपको टू लगाने का है, टू दबा दीजिए। तो टू एंटर करने के बाद हमको सेंड कर देने का है, तो हम ऊपर हमारा ऑर्डर उसने फेच कर लिया। ये तभी करेगा जब आपके रजिस्टर नंबर से कर रहे हो। तो अब ये पूछ रहा है काई के लिए आप कर रहे हो कैंसिल, रीज़न बताइए, कैंसिलेशन रीज़न पूछ रहा है। तो आप कोई भी रीज़न इसमें से बता सकते हो और नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा सेंड करने के लिए। तो मैं एक रीज़न लेता हूँ, 3 नंबर वाला, और सेंड कर दिया हूँ। ऑर्डर कैंसिल सक्सेसफुली हमको इधर लिख के आ गए, तो ऐसा आपको भी आ जाएगा लिख के। और ऊपर आपको देखिए ऐप में भी कैंसिल हो चुका है। तो आपका जब भी कैंसिल का ऑप्शन हट जाता है तो ऐसा करके आप अपना कैंसिल करा सकते हो। ये बहुत इजी प्रोसेस है। हमारा कैंसिल का ऑप्शन नहीं आता है तो जाके ये वाला ऑप्शन हमको एक अवेलेबल होता है, क्योंकि हमारा ऑर्डर शिपिड हो चुका है। देखिए यहाँ भी कैंसिल दिखा रहा है। तो आपने देख लिया किस तरीके से हमने चैट पे जाके अपना ऑर्डर कैंसिल किए। ऐसा आपका जब भी पेमेंट में करते हो, ऑर्डर करते हो, शिप हो चुका है, आपका ऑर्डर जा चुका आफ्टर शिपिट के बाद कैंसिल हो जाता है, चैट करने से ही होगा, बाकी का ऑप्शन आपके पास नहीं है। और दूसरी बात बताना चाहूँगा, आप कॉल करके भी बोल सकते हो हमको ऑर्डर कैंसिल करना है, पर कॉल कभी कभार लगता नहीं है, इसके लिए आपको व्हाट्सएप से चैट कर सकते हो। आपको चैट का ऑप्शन हरदम अवेलेबल रहता है, चैट का ऑप्शन हटता नहीं है। तो चैट नाउ पर क्लिक करके आप चैट कर सकते हो, कोई भी रिफंड के बारे में भी उनसे बात कर सकते हो, कैंसिलेशन के बारे में भी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाते ही रहूँगा। तो चलिए, कमेंट करके आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। तब तक का बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।